सेंटर सरकार वालों मुलाजमान की जी मंग सी पुरानी पेंशन बहाल करन नू लैके हुण पुरानी पेंशन बहाल जी की गई है भावें काफ़ी चेंजिंग जड़िया काफ़ी लैके आए हैं, लेकिन जे कह सकते हैं भी मुलाजमान विच एक खुशी जी पाई जा रही है क्योंकि सेंटर सरकार वालों जी मुलाजमान जी पेंशन देने का जोड़ा वादा सीगा वो लगभग जोड़ा पूरा अपने वालों किया जा रहा, भावें इस कुछ खामियां जरूर दिखाई दे रही, लेकिन मुलाजमान वालों यदा स्वागत किया जा रहा। तो रेलवे के डी आर एम वालों अपने मंडल में जी सूचना दी गई है कि 25 जे 2025 इस पेंशन जरा मुलाजमान दी जाएगी क्योंकि उन्होंने जी लाइफ है वो थोड़ी जी सिक्योर हो सके, जो रिटायरमेंट होंगे उदो उन्होंने पैसा मिल सके तो उन्होंने जी पेंशन लगे ता जो अपना जीवन जरा बाद का जरा वधिया बतीत कर सकन, क्योंकि नौकरी में तो वो अपनी सेवावान निभाते ही है, लेकिन उन्होंने ये हमेशा डर रहा भी जो नौकरी और रिटायरमेंट होंगी है तो उदो उन्होंने मतलब कि कोई भी कुछ पड़ताल जी नहीं होंगी है, तो उन्होंने जरा अपनी जीवन जिंदगी जीन वास्ते जरा भी कह सकते हैं भी कोई गुजारा करने वास्ते पता नहीं मिलता सीगा, तो उस करके पेंशन की मांग कर रहे थी। तो हम जी सेंटर सरकार वालों ये पेंशन की जी बहाली की गई है भावें इनू 50% के हिसाब से जिन्हें 25 साल जी है सर्विस पूरी होंगी है उन्होंने दी जाएगी। काफ़ी खामियां जरूर ने कई ने मतलब कि राजनीतिक लोगों ने जड़िया नुक्ताचीनी जरूर की है, लेकिन अज डी आर एम फिरोजपुर के वालों जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यू दसया गया कि जी इस जे मुलाजम काफ़ी जी अपने आप सिक्योर महसूस करेंगे तो उन्होंने एक खुशी भी पाई जा रही है क्योंकि पेंशन का होना मुलाजमत की जिंदगी बहुत व्डा रोल जरा अदा करती है, भावें सरकार वालों कुछ मतलब काफ़ी कटौतियां जरूर की गई क्योंकि जी पहला पेंशन स्कीम सी वो बहुत वधिया सके तो मुलाजमत हित में सी, भावें इस स्कीम में भी मुलाजमत हित में दसया जा रहा है, लेकिन वो फायदे जी पुरानी स्कीम के नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मुलाजम जी भी मुलाजम जे खुशी थोड़ी जाल वो करते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने उन्होंने कहना है भी वह कुछ ना कुछ तो जी सरकार है पेंशन लैके कुछ ना जो अगे वधी है ताकि जो वादे उन्होंने पूरे किए हैं क्योंकि बहुत जरूरत सी मुलाजमान भी पेंशन की, जिस करके सरकार ने सेंटर सरकार ने हम बहाल की है क्योंकि पिछे भी कह सकते हैं भी कुछ सालों के सरकार की जी है साख जी डिगती दिखाई दी सी, राजनीतिक उन्होंने नुकसान हो रहा है जिस करके हम मुलाजमान खुश करने वास्ते यह फैसला लिता गया जिसका DRM फिरोजपुर वालों जरा स्वागत किया गया, तो मुलाजम भी कई जड़े स्वागत करते वो दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना जिसे हम लोग शॉर्ट में UPS भी बोलते हैं वो शुरू की जा रही है। अगर इस पेंशन योजना की बात करें तो इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो सबसे पहले ये कि एकीकृत पेंशन योजना सुनिश्चित पेंशन की गारंटी देती है, न्यूनतम क्वालिफाइंग सेवा अवधि 25 वर्ष के लिए, सेवानिवृत्त से पहले अंतिम 12 महीने में प्राप्त जो औसत मूल वेतन है उसकी 50% मतलब आधी होगी। दूसरा इसका जो मुख्य विशेषता ये है कि कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60% उसके परिवार को दिया जाएगा, इस इन केस की अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है उस केस में। तीसरी इसकी जो मुख्य विशेषता ये है कि अगर किसी भी कर्मचारी की जो सेवा अवधि है अगर वो न्यूनतम 10 वर्ष की हो जाती है तो उस सेवानिवृत्ति पर सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रतिमाह भी दी जाएगी। इसकी जो चौथी विशेषता यह है कि जो सुनिश्चित पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य के आधार पर जो महंगाई होती है वो महंगाई राहत भी इसमें इंक्लूडेड है, वो भी इसके साथ साथ दी जाएगी। सर, 2004 जो पेंशन स्कीम थी ये क्या नई स्कीम जो लागू की है केंद्र सरकार ने, वो स्कीम है ये अगर हम बात करें तो इसके पहले दो तरह की पेंशन स्कीम हुआ करती थी, जिसको हम एक पुरानी पेंशन स्कीम जैसे OPS बोलते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम, और NPS हुआ करती थी। तो इन दोनों के जो प्रावधान थे दोनों पेंशन स्कीमों के वो पूरे डिफरेंट एंटायरली डिफरेंट बिल्कुल ही अलग अलग हुआ करते थे। अभी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह की एक स्कीम है जिसमें उसके सारे फायदे इसमें UPS में दिए जाएंगे। सर, फिरोजपुर डिवीजन के कितने जो कर्मचारी हैं और रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको लाभ मिलेगा इस पेंशन से? इस पेंशन से लगभग जो इस समय 17,000 के आसपास हमारे कर्मचारी और अधिकारीगण हैं जिनको फिरोजपुर डिवीजन में इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा होगा। तो सर, कैसे देखते हैं कि कर्मचारी काफी देर से ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे लेकिन केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है, तो इससे क्या कर्मचारी और अधिकारी खुश हैं क्योंकि फिरोजपुर डिवीजन के
करी है, तो कैसे देखते हैं इसको? इसमें जो हमारे फिरोजपुर डिवीजन के अधिकारी और कर्मचारियों की बात करें या पूरे पूरे इंडियन रेलवे की बात करें या हम उससे भी आगे बाहर सोचें तो पूरे जो हमारे केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारीगण हैं उनको में एक बहुत ही जबरदस्त खुशी की लहर दौड़ी हुई है, क्योंकि ये काफ़ी समय से एक पुरानी मांग रही है और हमेशा से सरकार ने उनका जो व्यू पॉइंट था उसको सपोर्ट किया है और इस पर एक गहन अध्ययन करने के बाद में इसमें एक कमेटी भी सरकार ने नामित की थी। उस कमेटी ने इसको बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया है। अध्ययन करने के पश्चात जो उनकी मांगे थी, जिसमें हमेशा केंद्र सरकार ने उनको सपोर्ट किया है समय समय पर, उसको जो है अभी दो दिन पहले उनको जो कमेटी कैबिनेट कमेटी थी उसको अप्रूव किया है। इससे बड़ी राहत मिलेगी मुलाजमों को? बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत मिलेगी और सभी लोग बहुत खुश हैं इस स्कीम से। कैमरामैन जनाब सरबजीत सिंह, दैनिक सवेरा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।